करुणाके स्वागत तथागत बोध। बाबा साहब 21वीं सदी के महानायक मानव कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, आज बाबा साहब के 62वें महापर्व दिवस के मौके पर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र पर यहाँ उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी, उड़ीसा के प्रभारी, राजस्थान के प्रभारी, वर्तमान में MLC व हमारे दिल्ली के सभी समस्त पदाधिकारीगण, पूजनीय भंते जी, मातृशक्ति साथियों, आज बाबा साहब का 62वां जन्म परिवार दिवस है। इसके मौके पर आज हम बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए प्रदेश की तरफ से, दिल्ली प्रदेश से यहाँ पर चलकर आए हैं। इस भव्य स्मारक में आकर आप लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि यदि हम बाबा साहब की बात को नहीं मानते, हमारी नेता उनके आदर्शों पर चलकर सरकार नहीं बनाती, तो आज ऐसे भव्य स्मारक पर हम लोग दूसरे के यहाँ तो गए मगर अपने पैरों पर खड़े होकर जो स्मारक बना है उसका एहसास ही अलग है। इसलिए मेरे आप लोगों से अपील है कि जिस बाबा साहब ने अपने चार चार बच्चे कफन के अभाव में चले गए, जिन्होंने पूरी जिंदगी इस समाज को राजा बनाने के लिए, इस समाज को खुशहाली देने के लिए अपनी पूरी जिंदगी नौछावर कर दी, इसी तरह मानवर कांशीराम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज बहन कुमारी मायावती जी पूरी जिंदगी इस काम में लगाने में लगी हैं। उनका एक हमेशा प्रयास रहता है कि हमारा समाज खुशहाल हो, ये राजा बने, क्योंकि राजा का के हाथ में ताकत है, दूसरे लोगों के हाथ में कोई ताकत नहीं है, और दूसरे लोगों की चाहत है कि ये कभी राजा ना बन पाए। उनकी चाहत है ये मांगने वाले बने रहे, 70 साल से मांगने वाले बने रहे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। आज यदि सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किसी को किया जाता तो बहन कुमारी मायावती को किया जाता है, चाहे हमारे समाज का आदमी हो चाहे कोई दूसरा आदमी हो। आखिर बहन जी का विरोध क्यों हो रहा है? उनके विरोध के पीछे कारण है कि जो काम इस देश की हिंदू संस्कृति के आधार पर, इस देश के सिस्टम के आधार पर जो काम हमें नहीं करना चाहिए था, वो बहन कुमारी मायावती ने करके दिखा दिया मानवर कांशीराम साहब के बदौलत। वो 4 बार मुख्यमंत्री बने, और यदि EVM का सहारा लेके अब सरकारें न बने तो 5वीं बार भी वो इस राज्य की सरकार की मुख्यमंत्री होती, कोई मायका लाल उनको रोक नहीं पाता। उसके उदाहरण आपको देखने को मिले। इस देश के लोकतंत्र को वो खत्म करने में लगे, मगर हमारे नेता पूरी जिंदगी इस काम में लगे कि लोकतंत्र बहाल किया जाए, इस देश के अंदर गरीब के बेटों को राजा बना दिया जाए। तो इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि यदि हमें बाबा साहब के महापर्व दिवस के मौके पर यहाँ पर हम लोग आए हैं तो हमें सबक लेना चाहिए, और खासकर हमारे युवाओं को सबक लेना चाहिए कि यदि हम लोग अम्बेडकरवाद को इस देश के अंदर चलाएंगे तो ऐसे महल, ऐसी अपनी संस्कृति हम लोग खड़ा कर सकते हैं। और जब तक सरकार नहीं बनी तो जितने भी लोगों की सरकारें आज तक हमने बनाई, कोई एक उदाहरण पूरे देश के अंदर बताए कि किसी ने हमारी संस्कृति को जिंदा करने के लिए या किसी ने हमारे महापुरुषों को सम्मान देने के लिए कोई काम किया, एक उदाहरण बताए। नहीं तो कोई हाथ तोड़ता है, कोई उंगली तोड़ता है, कोई गर्दन तोड़ता है। आखिर बाबा साहब की गर्दन क्यों तोड़ी जा रही है? बाबा साहब की उंगली क्यों तोड़ी जा रही है? कोई गांधी का चश्मा लेके नहीं भागता, कोई उसकी लाठी लेके नहीं भागता, क्योंकि बाबा साहब ने तुम्हें राजा बनाने का रास्ता दे दिया और हमारे लोग अब राजा बनने लगे। तो उन्हें परेशानी है कि एक आदमी जिसने उंगली पार्लियामेंट की तरफ कर दी कि कैप्चर दिस टेंपल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, सत्ता के मंदिर पर गरीबों को कब्जा कर लो, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी तो जरा से एक राज्य के अंदर आपने सरकार बनाई है, जिस दिन केंद्र में सरकार बन जाएगी उस दिन तो इनकी नानी मर जाएगी, उस दिन तो इनको रात को नींद नहीं आएगी, ये जीते जी मर जाएंगे। और उनकी ये चाहत है हमेशा कि अम्बेडकरवाद इस देश के अंदर जिंदा नहीं होना चाहिए, मगर हमारी नेता की ये चाहत है कि चाहे कुछ भी हो जाए
हम इस देश के अंदर अंबेडकरवाद को लाकर इस देश के अंदर बाबा साहब और मानव कांशीराम के सपनों को साकार करेंगे। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप ऐसे मौके पर यहाँ से हम सबक लें, उनके इतिहास से, उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर हम लोग आगे बढ़े। तो मेरी यही अपनी तरफ से, दिल्ली प्रदेश की तरफ से, पार्टी की तरफ से ये अपील है कि आप लोग बाबा साहब को अच्छी तरह समझे और जिद के आधार पर हम लोग काम करें। उनकी जिद है कि अंबेडकरवाद नहीं आना चाहिए, तो हमारी जिद है किसी देश के अंदर अंबेडकरवाद ला कर रखे। ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।